हाफिज जमान रिजवी ऑफिशियल की लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल व करम से दिन ब दिन उरूज मिल रहा है, जो मुखालफ पार्टी है वो हमारे खिलाफ दिन ब दिन कोई ना कोई नई साजिश कर रही है, तो इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश की है। तमाम दोस्त वीडियो को गौर के साथ देखिएगा, अगर आप लबैक वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। नाज़रीन मोहतरम, उससे पहले गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो मीडिया है वो बकवास कर रहा है। मीडिया ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सुन्नी तहरीक है उसने तहरीक इंसाफ की हिमायत के अंदर ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम तहरीक इंसाफ को वोट दो। इस बात का जो ताल्लुक है वो सुन्नी तहरीक से कोई भी नहीं, उन्होंने ये बात वाजे कर दी है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ और नहीं हमने उनकी हिमायत का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि हम वो मंजर भूले नहीं कि जो फैजाबाद के अंदर इन्होंने हमारे साथ किया, जो लाहौर धरने के अंदर इन्होंने हमारे साथ किया, अब हम इंशाल्लाह हर एक का बदला गिन गिन कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि ये मीडिया पर आपने तवज्जो नहीं देनी, ये मीडिया झूठ बोल रहा है और उनकी जो मेन वजह ये है कि वहां पर ये इस तरह करेंगे और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो वोट हैं वो गिर जाएंगे और हमें फतह मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इज्जत देने वाली जात रब ताला की जात है और जिल्लत देने वाली जात भी रब ताला की जात है। अगर हमारे हक के अंदर रब ताला ने फतह लिख दी है तो तुम चाहे जितनी मर्जी मुखालफत कर लो, तुम चाहे जितनी मर्जी साजिशें कर लो, तुम चाहे जो भी हरबे अजमा लो, लेकिन अगर मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। तो इस हवाले से अभी गुफ्तगू जारी है और सुन्नी तहरीक की तरफ से अभी एक पैगाम भी जारी होना है, इंशाल्लाह जो ही कोई आएगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तमाम दो चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।